यही खता वो जिया। यही खता वो जिया बार बार करती है, वो एक तीर से। रजा भाई सुनना, वो एक तीर से दो दो शिकार करती है। वो फोन करती है लेकिन पता नहीं देती, वो फोन करती है लेकिन पता नहीं देती, न जाने कौन है जो मुझसे प्यार करती है, न जाने कौन है जो मुझसे प्यार कर है। उसके हर एक जख्म में लज्जत थी इस कदर, उसके किसी भी जख्म को भरने नहीं दिया। वो भाई ने कहा कि प्यारी गजल सुनाओ। साकिब भाई क्या बात है यार, उसके हर एक जख्म में लज्जत थी इस कदर, उसके किसी भी जख्म को भरने नहीं दिया। उस शौख का सितम भी करम सा लगा मुझे, उसके सितम ने ही मुझे मरने नहीं दिया। गजल का मतलब ही बहुत कमाल का है। बाखुदा जिसने हकीकत में मोहब्बत की है सच्चे दिल से, और ऐसा कोई शख्स नहीं जिसने कभी किसी को सच्चे दिल से चाहा ना हो, जिसने भी चाहा हो ये मतला सुने जरा। जरा सी बात थी लेकिन लगा। रजा भाई गजल सुनाया, सिर्फ मतले पे। जरा सी बात थी लेकिन, जरा सी बात थी लेकिन लगा।
अरसा बताने गजल सुनने का भी एक तरीका है। जरा सी बात थी लेकिन लगा अरसा बताने में क्या मेरे महबूब के जैसा मेरे महबूब के जैसा नहीं कोई जमाने रोशनी एंड रुखसार। आपने जो गजल पढ़ी थी अभी शायद आपने YouTube से सुन के उसको, इसका मतलब है कि आप हमको सुनती हैं। क्या बात हुआ, हमारी तो इतनी तगड़ी दूरबीन है नहीं कि मैं कुछ देख सकूं। हाँ लेकिन मेरी गजल जरूर सुनना रुखसार एंड रोशनी लाइट एंड फेस। चचा आए है चचा, मजा आए हुआ भैया। चचा जरा समझाओ इनको, इतना मजबूर ना कर बात बनाने लग जाएं। ये चचा कह रहे हैं हम तेरे सर की कसम झूठी ही खाने लग जाएं। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं। और चचा ये अगर अपनी जवानी के सुना दें किस्से, ये अगर अपनी जवानी के सुना दें किस्से, ये जो लौंडे हैं इनके पांव दबाने लग जाए। मैंने मतलब पढ़ा नहीं था और चचा ने तुरंत बोल दिया वहीं से बैठकर। ये सुनना होता है और यार गजल ऐसी पढ़ रहा हूं कि मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। हल्का बेस दे दो। जरा सी बात थी लेकिन लगा अरसा बताने में मेरे महबूब के जैसा मेरे महबूब के जैसा नहीं। आए हाय हाय, तुम दोनों में से मेरा महबूब कोई नहीं है, टेंशन मत लेना। थोड़ा सा आगे आ जाओ, कम ऑन। जमा
ऐसे ऐसे लोग बैठे हो तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में, बहुत ज्यादा। वैसे ये किसने दिया है? रजा भाई ने, मोइन भाई ने। खिला है आज गुलिस्ता में एक सफेद गुलाब, ये लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यही नहीं पूरा हिंदुस्तान मुझे मोहब्बत करता है। खिला है आज गुलिस्ता में एक सफेद गुलाब, इलाही उसको बचाना हवा के झोंके से, इलाही इसको बचाना हवा के झोंके से, मैं इसको हाथ लगाते हुए समझता हूँ गुनाह, मैं इसको चूमता रहता हूँ बस अपनी पलकों से। रोशनी, गजल किसको कहते हैं ये शेर सुनो दोनों बहनें। अरे यार तुम में से बड़ी कौन है? उधर वाली कौन बड़ी है? आप हैं? आप छोटी हैं? क्या बात है, क्या कह रहे बेटा, तुझे बहुत जानकारी है अपनी अपनी बात करावे शेर सुनना भाई। रुखसार रुखसार का वो तिल देखो जरा, काला काला दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अब जरा मेरा शेर सुनना, पागल हो जाओगे। तेरे रुखसार रजा भाई उठकर आओगे इंशाल्लाह और सब लोग आओगे। तेरे रुखसार का ये दिल, तेरे रुखसार का ये दिल कयामत धा रहा मुझ पर। मुझ पर खता उसकी, तेरे रुखसार का ये तिल कयामत ढा रहा मुझ पर, खता उसकी भी शामिल है, खता उसकी भी शामिल है मुझे पागल बना दे।
आ जाओ आराम से आ जाओ, हटो भैया बबलू हटो, दो रास्ते में अड्डा बने बैठे, बेफिक्र रहो। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, वाह, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, एक तबस्सुम पे दो आलम को निछावर कर दूं कि माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। मुझ पर वाह 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 वाह, खता उसकी खता उसकी भी शामिल है, खता उसकी भी शामिल है मुझे, बाबा पागल बना कुछ लिख रहे हो मेरे ख्याल से, शेर सुनना मेरे भाई। माशाल्लाह दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं, अच्छा मिजाज है, लेकिन अल्लाह और तरक्की दे। कासिम भाई अभी कमी भी बहुत है, बहुत कमी है, उस कमी को दूर करिए, इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। निशा सारे साजन रजा भाई, शेर सुनना। मैं हूं एहसास, ये शेर मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, क्योंकि सब नौजवान बैठे हुए हैं और शेर को समझने वाले बैठे हुए हैं। शेर सुनना मेरे भाई। मैं हूं एहसास, तुमको हर कदम पर, रजा भाई शेर सुनो। मैं हूं एहसास, तुमको हर कदम पर याद आऊंगा, तुम्हें सदियां, तुम्हें सदियां लगेंगी जान मन, तुम्हें सदियां लगेंगी जान मन, मुझको भुलाने
आपके बगल जो बैठे हुए भाई, तवज्जो आपसे भी, और इधर जितने भी ग्रुप बैठे हुए हैं, इधर मेरे भाई, चलो ठीक है। हाँ ये